हेलो दोस्तों, मैं अनूप सैनी, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ मैवरिक्स डॉट इन। दोस्तों, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि आपको अमेज़न पर सेलर पैनल बनाने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक मैंने अपने नीचे वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दिया है। प्लीज़ उस लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को अच्छे से देख लें और समझ लें। और किसी भी टाइप की क्वेरी या फिर न्यू सजेशन के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उस टॉपिक का जवाब ज़रूर दूंगा। दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आपने सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करा लिए हैं तो आप अमेज़न पर अपना सेलर अकाउंट कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। देखिए, आपको अमेज़न पे अमेज़न डॉट इन पे सेलर पैनल बनाने के लिए आपको गूगल पर सर्च करना पड़ेगा सेलर पैनल डॉट अमेज़न डॉट इन। ठीक है, देखिए यहाँ फर्स्ट ऑप्शन है अमेज़न सेलर सेंट्रल। ओके, देखिए आपको सेलर पैनल पे अकाउंट जनरेट करने के लिए आपको रजिस्टर नाउ बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। रजिस्टर नाउ बटन पे क्लिक करने के बाद आप इसे बटन पे क्लिक कीजिए स्टार्ट सेलिंग। स्टार्ट सेलिंग पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ क्रिएट योर अमेज़न अकाउंट पे क्लिक करना पड़ेगा। देन यहाँ पर आप अपना फर्स्ट कॉलम में देखिए, आप अपना योर नेम डाल सकते हैं, मीन्स आपका पर्सनल नेम है, आप इंडिविजुअल सेल करना चाहते हैं या फिर आपकी ऑलरेडी फर्म बनी हुई है। ओके, देन आपको मोबाइल नंबर अपना चूज़ करना पड़ेगा, जो भी आप अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। ईमेल आपको अपनी ईमेल डालनी पड़ेगी और देन पासवर्ड डालना पड़ेगा, देन कंटिन्यू कर सकते हैं। इस टाइप से आप अपना अमेज़न सेलर पैनल क्रिएट कर सकते हैं। ओके, दोस्तों, सेलर सेंट्रल में आपको डॉक्यूमेंट्स अपडेट करने के लिए क्या करना होगा। सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स से लॉगिन करने के लिए अमेज़न का सेलर सेंटर लॉगिन करना पड़ेगा। मैं आपको बता देता हूँ कि लॉगिन कैसे करना पड़ेगा। देखिए, ये यूज़र नेम एंड पासवर्ड, यहाँ पर जो भी आपकी ईमेल होगी, यहाँ पर जो भी आपका पासवर्ड होगा, उस ईमेल और पासवर्ड को आप एंटर करके यहाँ लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ दो ऑप्शंस आ रहे हैं। यहाँ जो लेफ्ट साइड में जो सेटिंग ऑप्शन आ रहा है, यहाँ आपको सेटिंग पे एक टोटल, जब सेटिंग पे कर्सर रखेंगे तो यहाँ ऑप्शन आ रहा है अकाउंट इन्फॉर्मेशन। ओके, यहाँ अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे आप यहाँ क्लिक कीजिए। देखिए यहाँ आपका जो शो हो रहा है सेलर प्रोफाइल से हो रही है, बैंक अकाउंट ऑन इंफॉर्मेशन से हो रहा है, बिजनेस एड्रेस शो हो रहा है, इनवॉइस एड्रेस शो हो रहा है, योर मर्चेंट टोकन रिटर्न इंफॉर्मेशन, शिपिंग सेटिंग, इजी शिप सेटिंग और प्लेस ऑफ इस्टेब्लिशमेंट। मीन्स यहाँ पर वन बाय वन आपकी सारी डिटेल्स शो हो रही है, आप इसको अपडेट कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि देखिए, अगर आपको GST अपडेट करना है तो यहाँ आप मैंने GST डिटेल पर क्लिक कीजिए। GST डिटेल पर क्लिक करने के बाद आपका जो भी एड्रेस होगा वो यहाँ शो हो जाएगा। एंड एडिट एड्रेस अगर आपको करना है तो एडिट बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर GST नंबर अपना डालेंगे और यहाँ पैन नंबर डालेंगे, और GST नंबर एंड पैन नंबर डालने के बाद यहाँ क्या करेंगे, आप इसको सेव कर देंगे। ठीक है, डिफॉल्ट प्रोडक्ट टैक्स कोडिंग में यहाँ पर आप जो सेलेक्ट करेंगे आई हैव रिव्यूड, इस पर चेक कर देंगे, देन सेव कर देंगे। ओके, यहाँ पर आपको डिजिटल एवोक सिग्नेचर, मीन्स आपको जो है अपने डॉक्यूमेंट्स पर जो सिग्नेचर हैं, जो आपके पैन कार्ड पर सिग्नेचर हैं, वो यहाँ आप सिग्नेचर किसी भी पेपर पर सिग्नेचर करके उसको स्कैन करके यहाँ आप अपलोड कर सकते हैं। ओके, तो और इसके बाद मैं वापस अकाउंट इन्फॉर्मेशन पर जाता हूँ। यहाँ आप बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन अपडेट कर सकते हैं। बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन में यहाँ आपको लिखना पड़ेगा मैनेज डिपॉजिट मेथड। मैनेज डिपॉजिट मेथड पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ ऑप्शन आता है अकाउंट इन्फॉर्मेशन, अकाउंट इन्फॉर्मेशन में बैंक इन्फॉर्मेशन, यहाँ आप रिप्लेस डिपॉजिट मेथड। देखिए यहाँ आप क्या करेंगे, ऐड न्यू डिपॉजिट मेथड, मीन्स जो भी जिस डिपॉजिट मेथड का मीन्स है, जिस बैंक अकाउंट में आपका अकाउंट है,
जिस बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक की इंफॉर्मेशन यहाँ आपको ऐड करनी पड़ेगी। यहाँ आप उस बैंक अकाउंट होल्डर नेम लिख सकते हैं, यहाँ बैंक अकाउंट नंबर लिख सकते हैं, बैंक अकाउंट नंबर, उसका आईएफएससी कोड, बैंक अकाउंट नंबर फिर से, देन सेट डिपॉजिट मेथड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ से मैं वापस जाता हूँ अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे, अब यहाँ आपको बिजनेस एड्रेस अपडेट करना पड़ेगा। बिजनेस एड्रेस में यहाँ आप कोई भी अपना एड्रेस ऐड कर सकते हैं। मैं वापस जाता हूँ अकाउंट इन्फॉर्मेशन में, देखिए यहाँ आपको इनवॉइस एड्रेस, जो भी आपको इनवॉइस एड्रेस स्लिप पर रहेगा, जो भी मतलब कोई जब आप लेबिल निकालेंगे ऑर्डर प्रोसीड करने के लिए, तो इनवॉइस एड्रेस वहाँ शो होएगा। ठीक है, यहाँ मर्चेंट टोकन, मर्चेंट टोकन ये है आपका मर्चेंट टोकन। ये क्या होगा, जब आप ऑर्डर क्रिएट करेंगे, ऑर्डर मीन्स कोई अगर ऑर्डर आता है उसकी शिपमेंट क्रिएट करेंगे, तो वहाँ प्रिंट होता है। दूसरा, आप जब डेवलपर टूल यूज़ करते हैं तो यहाँ मर्चेंट टोकन यूज़ होता है। ठीक है, इस टाइप से आप रिटर्न इंफॉर्मेशन यहाँ अपडेट कर सकते हैं। यहाँ शिपिंग सेटिंग कर सकते हैं, और प्लेस ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, यहाँ आप प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं। ये सारे पैनल हैं और हर पैनल को, हर ऑप्शन को आप वन बाई वन अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर देखिए अब होता क्या है कि जब आपका जीएसटी अपडेट हो जाएगा, जीएसटी अपडेट होने के बाद जो आपका सिग्नेचर और टैक्स कोड वगैरह सारा डिफॉल्ट हो जाएगा और आपकी एक प्रोफाइल पेज बन जाएगा जहां पर टोटल कंप्लीट आपकी इंफॉर्मेशन शो होगी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आने वाली मेरी नई वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिल सके।